हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड दिस वीक। हफ्ते भर की तमाम चटपटी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके अपने फेवरेट शो यानी कि बॉलीवुड दिस वीक जॉन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट बॉलीवुड दिस वीक। अक्षय कुमार का मार्शल आर्ट का शौक अभी भी कायम है, इसीलिए अक्षय पहुंच गए एक इवेंट में। ये इवेंट स्मिता ठाकरे की ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट में पहुंचकर अक्षय ने मार्शल आर्ट की इंपॉर्टेंस को बताया। खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार भले ही अब एक सुपरस्टार बन गए हों, लेकिन मार्शल आर्ट का उनका शौक अभी भी कायम है। अकी इस जापानी आर्ट्स के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए पहुंच गए एक फाउंडेशन को सपोर्ट करने। ये फाउंडेशन फीमेल राइट्स और सिक्योरिटी के लिए काम करता है। नाइफ फाइटिंग एक ऐसी फाइट है जैसे कि यू डोंट नीड ब्रूट पावर, यू नीड इंटेलेक्ट, यू नीड इंटेलेक्चुअल थिंग, यू नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ। एंड आई थिंक वुमेन कैन यूज दिस and can be safe from many, many things. So I would, that's why I'm here for, to say about, talk about Talpar, and that is what I am here for the initiative. Bol diye, maine ji appeal yehi karna hai ki martial arts should be compulsory in every school to every student. Famous socialite Smita Thakre, jo females ke social rights aur security ke liye kaafi arse se kaam karti chali aa rahi hai, wo bhi is mauke par Aki ke saath maujood thi. Unhone female security par बात करने के साथ साथ अकी की भी जमकर तारीफ की। अक्षय जी ने लिटरली इमीडिएटली एग्री किया और हमारे फाउंडेशन को इस कॉज को सपोर्ट किया है। अक्षय हमेशा सपोर्ट करते आए अलग अलग कॉज के लिए। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसके बाजू में जो हॉस्पिटल है वो अक्षय जी ने बनाया है और इससे ही पता चलता है कि वो कितना चैरिटी रखते हैं अंदर, अपने अंदर कितनी दया है और कितना चैरिटी माइंडेड है। तो आई एम रियली थैंकफुल अक्षय जी, थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी कॉज के लिए ऑर्गेनाइज इस सोशल इवेंट में मुंबई जॉइंट सीपी हिमांशु राय ने भी शिरकत की। हिमांशु राय ने फीमेल सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। कायदे के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लॉ ये नहीं कहता कि अगर आपको कोई छेड़े तो आप चुप बैठिए और वो सहन करिए। लॉ आपको पूरा अधिकार देता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मगर डिफेंड करने के लिए एक तरीका भी चाहिए, एक टेक्निक भी चाहिए, एक प्रशिक्षण भी चाहिए। तो आज के इनिशिएटिव से ये प्रशिक्षण और ये ट्रेनिंग और ये अलग टाइप का कॉन्फिडेंस हमारी महिलाओं में आएगा कि वो सही तरह से प्रतिकार कर सके ऐसे नेगेटिव शक्तियों को और ऐसे अत्याचार को। थैंक यू वेरी मच। एनीवेज, जिस तरह पिछले कुछ सालों में रेप की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए महिलाओं को मार्शल आर्ट जैसी ट्रेनिंग लेकर खुद को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे, एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। क्रिकेट की दुनिया के रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शोएब अख्तर अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वही शोएब अख्तर जब रैंप पर लॉयन वॉक करते नजर आए तो थोड़ा नर्वस दिखे। क्रिकेट के मैदान में अपनी गेंद से सबके छक्के छुड़ाने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर रैंप पर चलते नजर आए और यहां पर भी उन्होंने सबके पसीने छुड़ा दिए। मैदान पर तेज दौड़ने वाले शोएब अख्तर रैंप पर काफी नर्वस दिखे। उन्हें रैंप पर चलते कैसा महसूस हुआ आप खुद सुन लीजिए। तो नर्वस था यार। क्रिकेट खेलना सबसे आसान काम है। आपको बता दें, शोएब अर्थ ग्लोब इको के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से वो रिसाइकल में बिलीव रखते हैं। इट्स नॉट अबाउट इट्स बीन इंडिया और पाकिस्तान और एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट द ग्लोबल कॉज, राइट? एंड एट द सेम टाइम हम ये कोशिश कर रहे हैं, एमी व्हाट क्लोथ शी इज मेकिंग, व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, दैट थोड़ा सा कम कंज्यूम करो और जो पहनते हो उसको दोबारा रिपीट भी करो। और एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि रिसाइकल करना और टेक लेस फ्रॉम द प्लैनेट एंड गिव इट अ लॉट। हम प्लैट वन ड्रीम एट अ टाइम, ईच वन ऑफ अस हैज अ ड्यूटी।
वहीं इस इवेंट में एक्ट्रेस भाग्यश्री और अमृता भी मौजूद रही। ग्लोबल वार्मिंग दैट्स हैपनिंग एंड दिस इज आवर वे दैट वी कैन हेल्प इन कंजर्विंग द एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग अ सैपलिंग एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल दैट शी स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस। और इन दोनों ने भी अर्थ ग्लोब इको को सपोर्ट किया। वेल, हम उम्मीद करेंगे कि आम जनता भी इस मैसेज को फॉलो करेगी। कैमरामैन किशोर के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। फिल्मों और मॉडलिंग की चकाचौंध भरी दुनिया में जिंदगी बिताने वाली ऐश अब कितनी स्पिरिचुअल है ये तो नहीं पता, लेकिन सत्य साईं बाबा के लिए ऑर्गेनाइज किए गए एक समारोह में वो जरूर पहुंची और वहां वो खासी आध्यात्मिक नजर आई। श्री सत्य साईं बाबा को ट्रिब्यूट देने के लिए एक म्यूजिकल कंसर्ट का आयोजन किया गया। ये ट्रिब्यूट सत्य साईं बाबा के भक्तों ने ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपनी स्पेशल मेमोरीज और आइडियल्स के बारे में बताया। अरे ये क्या, मैडम ऐश जो अपनी स्पीच के बाद मीडिया के साथ इंटरैक्ट करने वाली थी लेकिन जिसे उन्होंने कैंसिल कर दिया, इसके लिए वो लेट होने का बहाना बना रही है। मैडम ऐश, पहले मीडिया को रोकना और फिर उसे इग्नोर करना, ये आपको शोभा नहीं देता। कैमरामैन किशोर के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। वर्ल्ड बिफोर हर ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है निशा पहुजा ने। इस फिल्म के लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अनुराग ने इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की खूब तारीफ की। प्यार के पहले और प्यार के बाद दुनिया बिल्कुल अलग सी होती है और अब डायरेक्टर निशा पहुजा ने इसी को बेस करके एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है वर्ल्ड बिफोर हर। ये एक कैनेडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ये पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे अनुराग कश्यप लॉन्च करने पहुंचे। अनुराग का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुना और जैसा सुना वैसा ही पाया, इसीलिए वो इस फिल्म को लॉन्च करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। जबकि डॉक्यूमेंट्री हैव बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग देन एक्चुअल फिक्शन फिल्म्स और मेनस्ट्रीम मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज हैव बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग, दे मच मोर डायनेमिक, दे मच मोर पावरफुल एंड मोर एंगेजिंग। आपको डॉक्यूमेंट्री सीट में बैठा के ज्यादा रखेंगे, आप उसमें पॉपकॉर्न खाने नहीं जाओगे, जो कि फिक्शन फिल्म में आप 10 बार उठते हो पॉपकॉर्न खाने के। चक द इंडिया के डायरेक्टर शिमित अमीन ने कहा कि उन्हें ये फिल्म छू गई। ये फिल्म एक परफेक्ट पोर्ट्रेट है जो आज के जमाने में इंडिया में चल रहा है। पूजा चोपड़ा जो मिस इंडिया भी रह चुकी है और वुमेन राइट्स के लिए काफी दिनों से काम भी कर रही है, उनका कहना है कि ये फिल्म काफी हद तक उनकी माँ की जिंदगी से जुड़ी है। जाहिर है फिल्म से जुड़ी हस्तियों को तो ये फिल्म काफी पसंद आई, अब दर्शक को पसंद आती है कि नहीं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे टाइगर श्रॉफ इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं, कहीं अपनी फिल्म हीरोपंती को प्रमोट करते हुए तो कहीं अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए। अब टाइगर पहुंच गए वर्ल्ड डांस वीक में, जहां उन्होंने अपने अंदाज में फिल्म को प्रमोट किया। इन दिनों बॉलीवुड के जैकी चैन यानी टाइगर श्रॉफ हर जगह छाए हुए हैं अपनी फिल्म हीरोपंती को प्रमोट करने के साथ साथ। जरा देखिए किस तरह से स्टेज पर टाइगर अपनी बॉडी को मीडिया के सामने फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ये मौका है वर्ल्ड डांस सेलिब्रेशन डे का, जहां टाइगर पहुंचे हैं अपनी फिल्म हीरोपंती को प्रमोट करने।
टाइगर के साथ फिल्म की एक्ट्रेस भी मौजूद है। टाइगर ने इस मौके पर बताया कि वो ट्रेन डांसर हैं और वो माइकल जैक्सन से इंस्पायर हैं। इन डांसर माइकल जैक्सन फ्रॉम बॉलीवुड माय फादर। एम आई ट्रेन डांसर मैम? यस आई एम। जहां तक बॉलीवुड का सवाल है तो वो अपने डैडी जैकी श्रॉफ से इंस्पिरेशन लेते हैं। जहां डांस की बात है तो टाइगर श्रॉफ ने ऋतिक रोशन की जमकर तारीफ की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ही इज द गॉड ऑफ डांस। ऋतिक सर तो क्या बोलो, जितना बोलो उतना कम है उनके लिए। मैं वो तो गॉड ऑफ डांस है, गॉड ऑफ एक्टिंग, गॉड ऑफ सब कुछ। मैं तो कुछ नहीं उनके सामने। अब जरा देखिए टाइगर श्रॉफ के इस डांस स्टेप को, जिसे देखकर उनके फैंस और मीडिया पर्सन ने भी उन्हें काफी पेप अप किया। हम तो यही दुआ करेंगे कि टाइगर श्रॉफ की ये मेहनत रंग लाए और उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए झंडे गाड़े। बॉलीवुड दिस वीक में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। जनता की हर समस्या का जो करते हैं समाधान, अपने शहर के विकास का जिन्हें होता है हर पल ध्यान, ऐसे ही कुछ नेताओं के साथ करेंगे खुल के दिल की बात, जानेंगे उनके काम करने का अंदाज, समझेंगे उनकी नीतियों के राज को। विजन एंड वॉइस व्हेन लीडर स्पीक्स, बहुत जल्द सिर्फ आपके चैनल पर। सपनों के झिलमिलाती दुनिया में आपका स्वागत है। सिने जगत का हर एक पल और उस पल की अजब गजब खबरें। लेकिन क्लाउन बनना सीरियस काम है। इंटरव्यू हो या फिर हो मस्ती भरे इवेंट, फिल्मों का प्रमोशन हो या हो सितारों की पार्टी, इतना ही नहीं जनाब, जानेंगे कौन से फिल्म हुई हिट और कौन से फिल्म गई पिट। टीवी सीरियल से लेकर बड़े पर्दे तक होगी हमारी नजर। बॉलीवुड दिस वीक लाए हैं बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सिर्फ आपके लिए। वेलकम बैक टू बॉलीवुड दिस वीक। लो बजट की कॉमेडियन फिल्म फिल्मिस्तान जून में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें एक्ट्रेस नजर नहीं आएंगी और इस फिल्म के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। अंधेरी में फिल्म फिल्मिस्तान का म्यूजिक लॉन्च किया गया। ये एक सस्ते बजट की कॉमेडी फिल्म है और इसमें सभी नए किरदार हैं और इस फिल्म की शूटिंग मुंबई बीकानेर में की गई है। इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जिसमें इस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। ये फिल्म फैंस की बॉलीवुड स्टार्स के लिए दीवानगी पर बेस्ड है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इस फिल्म में म्यूजिक अरिजीत दत्ता ने दिए और साथ ही इसको को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कड़ जी ने। इस फिल्म में सारी भाषमी और इनामुल्ला नजर आएंगे, लेकिन खास बात यह है कि इस फिल्म में कोई भी एक्ट्रेस नहीं है। मोस्ट अवेटेड फिल्म पुरानी जींस जल्द ही रिलीज होने वाली है। दिल आजकल पास रहता नहीं। अंबर सरिया वैसे उसी जोन का है कि गिटार है, एक आवाज़ है और एक सिंपल सा रोमांटिक बैलड है, लेकिन फोक बेस्ड है, एक फोक स्पेस से आता है और ये बड़ा अर्बन है। इसमें कोई अर्बन बोला मैंने बिल्कुल देहात की तरह, लेकिन इट्स अ अर्बन सॉन्ग एंड रॉक सा बैलड है, फ्लेमेंको से गिटार्स हैं, बहुत सेंशुअल सा है। आई फील वेरी ग्रेट बिकॉज इट इज़ मी ऑल्सो, क्योंकि मेरा जो पहला गाना था बोलो ना, कुछ 7-8 साल पहले मैंने रिलीज़ किया था, उसका वीडियो बहुत चला था। इट इज़ इन द सेम स्पेस, इट्स लाइक अ रॉक बैलड। ये रियलाइज़ करके एक सुकून सा भी आया कि ये बात नहीं है कि ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स आर अगेंस्ट मी, लड़कियों के गाने ही बहुत कम बनते हैं। ये तुझसे ही मिलने को चाहे।
बॉलीवुड में यूं तो आपने काफी दोस्तों भरी फिल्म देखी होगी, लेकिन पुरानी जींस आप सबके लिए ला रही कुछ नया। अब हम जानते हैं क्या नया इस दोस्ती में। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। अभी पुरानी जींस लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वाई पुरानी जींस, यू नो, तो मैं कहना चाहूँगा कि पुरानी जींस जो है एक मुहावरा है कि जिंदगी में दोस्त तो कई आते हैं, लेकिन आपके पुराने दोस्त उस जींस की तरह होते हैं जिसे पहनते आप फ्री हो जाते, यू बिकम फ्री टू बी योरसेल्फ। तो वी आर ट्राइंग टू शो द कोरिलेशन बिटवीन योर फर्स्ट पेयर ऑफ जींस और आपके पुराने साथी, सो दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह पुरानी जींस आपने सुना था तो आपको मन में आया कि पुरानी जींस का मीन क्या होता है, जिस तरह उन्होंने अच्छे से बताया, तो आपके थिंक में क्या आया था? पुरानी जींस वी इन द मूवी वी आर रिलेटिंग अ लॉट लाइक एज फ्रेंडशिप, as love and care and as something that you feel comfortable to be with as your purani jeans. You do like your purani jeans, you don't want to give them away, you don't want them to, like, you always want to wear them, you know, like I do have a purani jeans. When I open my closet and I have to get a jeans, that's the first thing I get, it's my purani jeans, because I do like to be comfortable, and that's what we associate in the movie, like with friendship. You can be yourself, you love them, you care about them, you want them to be with you, to be there for you. So yes. What about you? जब मैंने पहली बार टाइटल सुना पुरानी चीज़, सबसे पहले तो मुझे काफ़ी कैची लगा। जैसे वो नाम सुना तो मुझे वो अली हैदर का गाना याद आया, पुरानी जीन्स और गिटार। तो वो गाना जैसे ही मैंने याद किया तो इट टुक मी बैक टू यू नो, एक पुरानी यादें आ गई थी कॉलेज टाइम्स की एंड ऑल ऑफ दैट। तो और जब मैंने वो स्क्रिप्ट सुनी, आई थॉट the title did absolute justice to the song and vice versa, because it takes you back to that beautiful era, you know. Is tarah mein aapki dosti dekhne mil rahi hai, to you know, parde pe kis tarah dosti hai, matlab kaisi story hai, story ke bare mein bataya jaye, you know. Interesting baat ye hai ki film start hone se pehle hamara ek workshop tha, I think kareeban ek mahine ka workshop tha, aur usse pehle we did not know each other, Aditya, Isabel and me, hum ek dusre ko jante nahi the, but wo ek mahine ke dauran aur I think filming ke dauran hum bahut hi acche dost ho gaye, एंड आई थिंक वो जो एक केमिस्ट्री, जो हमारा केमिस्ट्री है, बी रिजा मी, बी आदित्य मी, बी द टू ऑफ देम विद ईच अदर, जो रियल लाइफ में है, आई होप कि समवे हम उसी केमिस्ट्री को ऑन स्क्रीन ट्रांसलेट कर पाए हैं, बिकॉज आई थिंक आप जितने भी अच्छे एक्टर हो, अगर आप अपने कोस्टार को पसंद नहीं करोगे तो वो स्क्रीन पर दिखेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन फिल्म लाइक दैट, वेयर द वेरी बैकबोन ऑफ द फिल्म इज द फ्रेंडशिप बिटवीन दीज टू बॉयज एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर अफेक्शन, आवर हीरोइन। दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, दिल आजकल पास रहता नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे, एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए हमारे बॉलीवुड सितारे उतरे रैंप पर, हसीनाओं ने बिखेरा अपने हुस्न का जलवा। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने रैंप पर लूट लिया सबका दिल। आप भी देखिए सुष्मिता के चेहरे की खुशी। हम ये कोशिश करते हैं साल में कई दफ़ा कि सबसे खूबसूरत तरीके से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड एक ऐसा टॉपिक है जो लोग काफ़ी दफ़ा जिक्र करते हैं जिसके बारे में, बट स्माइल फाउंडेशन इज़ वन ऑफ दोज फाउंडेशन दैट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग 300,000 गर्ल चाइल्ड्स ऑल ओवर इंडिया। काबिले तारीफ बात है, क्योंकि मैं जिस देश में हूँ वहाँ पर हम लड़कियों को जिस कदर देवी की तरफ पूछते हैं एक तरफ, उतने ही उनके साथ नाइंसाफियाँ होती हैं। मैं सिर्फ बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, आप सब का, कि ये मैसेज आप लोगों तक लेके जाएंगे। और ये याद रखें कि एक औरत होना कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, और उसे कोई कमजोरी की तरह से देखे तो उसे सख्त से सख्त सजा दी देनी चाहिए। वहीं इनका साथ देते नजर आए बिग बॉस के फेवरेट कॉन्टेस्ट एंडी, उन्होंने भी रैंप पर डांस करके देखिए किस तरह से जीत लिया ऑडियंस का दिल, और साथ ही उन्होंने खूब तारीफें भी लूटी। लेकिन आखिर इनके चलने का राज क्या है, तो चलिए एंडी से ही जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं 4 बजे से आया हूँ, अभी शो हुआ है, थोड़ा लेट हो गया है, तो बहुत टाइम लगा है, पर मुझे लगता है ये टाइम बहुत कीमती है सबके लिए, पर ये जो आज हमने किया है ये बहुत ही कीमती चीज़ है, तो इसके लिए कोई भी टाइम आओ तो बहुत कम है, क्योंकि जो बच्चों के लिए करेंगे वो हमारी फ्यूचर है, उनके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने स्माइल फाउंडेशन के साथ मैंने काम करने की एक संभावना बनाई थी और जो आज पूरी हो गई, और आई थिंक
आगे जाके भी मैं स्माइल फाउंडेशन के साथ काम करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर द किड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास बहुत कम है पर वो उसमें खुश रह सकते हैं, तो हमें भी उनके उनसे कुछ सीखना चाहिए कि हम भी कम में बहुत खुश रह सकते हैं. पर ऑफ कोर्स इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मैं कैसे कह सकता हूँ ये सब, क्योंकि मुझे इतना कपड़ा मिल रहा है, इतना कुछ मुझे इतना प्यार मिल रहा है सबसे, तो मैं बहुत खुश हूँ. और जितना प्यार मुझे मिल रहा है मैं शायद उतना प्यार बच्चों को भी देना चाहता हूँ. इस खुशनुमा माहौल को रंगीन बनाने के लिए हमारे टीवी सेलेब्स भी पीछे नहीं रहे. आप भी देखिए जरा इनका ये अंदाज. वहीं हमें बॉलीवुड के नए हीरो यानी टाइगर श्रॉफ और उनकी हीरोइन भी नजर आई. उनके साथ साथ पुरानी जींस ने रैंप पर चलकर जीत लिया ऑडियंस का दिल. इस खुशी के मौके पर बॉलीवुड की चुलबुली अमृता राव भी नजर आई, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड दिखी. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना बी वॉकिंग द रैंप विद किड्स, बच्चों के साथ रैंप वॉक कर रही हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड और बहुत प्यारे से बच्चे हैं, बिल्कुल नर्वस नहीं है. मैं बहुत नर्वस होती हूँ स्पेशली बैक स्टेज जब आप मुझे फैशन शो के देखते हो, तो आई थिंक दिस विल बी न्यू फॉर मी. वेल, आप सबका सोशल कॉज को सपोर्ट करना हमें तो बहुत अच्छा लगा. उम्मीद करेंगे आपका ये मैसेज लोगों तक जरूर पहुंच जाएगा. कैमरामैन किशोर के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट मुंबई. फिलहाल इस हफ्ते के बॉलीवुड दिस वीक में बस इतना ही. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई और चटपटी खबरों के साथ. तब तक मुझे दीजिए इजाजत. गुड बाय.